ओ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंडर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में खेलने वाला हूँ वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3। सो गाइस, इसमें बेसिकली अपन को क्रिकेट खेलना है एंड रन्स स्कोर करने। तो अभी मैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लगाता हूँ एंड अपना ही होगा 10 मैं ओवर का, और चेन्नई मीडियम स्टेडियम लेंगे एंड यहाँ से हिंदी कॉमेंटेंट्री एंड यहाँ पे अपन लेंगे हेड्स। तो देखते अपन जीतते यानी टॉस। तो यहाँ पर अपन जीत चुके हैं टॉस, तो मैं यहाँ पे बॉलिंग करूँगा पहले। और ये रही अपनी टीम, सो ये रहे पाकिस्तान के बल्लेबाज। सो अब यहाँ पर अपन लेंगे जसप्रीत को राइट हैंड बॉलर फास्ट। सो ये है मैच की पहली बॉल जसप्रीत करने का एंड यहाँ पर देखते हैं। ओके ठीक है, अच्छा यहाँ पे वाइट थ्रो। ओके कोई नहीं, लेकिन इन्होंने ले ली है एक रन। ओके दो रन ले रहा सॉरी। एंड ये रही दूसरी बॉल, व्हाट अ बोल्ड मैन, क्या ही शानदार आउट किया है मोहम्मद रिजवान, एक रन बना के दो बॉलों पे आउट। सो ये रही मैच की फोर्थ बॉल। सो अब देखते ओके, अरे यार नहीं शिट, 5 रन यू ही दे दिए मैंने, एक वाइट का और 4। अब इस बार में कोई अच्छे से फेंकना पड़ेगा। सो ये रही फिर से वही फोर्थ बॉल और फिर से वही, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए यार, फिर से 5 रन और। तो अभी यहाँ पे फिर से स्ट्रेट फेंकेंगे इस बार, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी 4, मैं कितना गंदी बॉलिंग कर रहा हूँ यार। कोई नहीं, लेकिन अपन इसको भी ऐसे ही आउट करेंगे, जैसे ये चौका मार रहा है वैसे अपन इसको आउट करेंगे। तो यहाँ पे अपन लेते हैं जडेजा, तो यहाँ पे ये रही इसकी जडेजा की लास्ट बॉल। लेकिन जडेजा ने अच्छा खेला, बस एक वाइड दिया है, बाकी इसने एक एक दो दो रन दिए। ओके तो यहाँ पे ये एक रन होना चाहिए। ओके सो यहाँ पे एक रन, तो राइट ऑफ स्पिन कुल्ली, तो यहाँ पे ऑफ स्पिन से अपन शुरुआत करेंगे इसकी। ओके व्हाट अ कैच मैन, वो शानदार कैच था कुलदीप ओपी गाइस। तो अभी यहाँ पे एक नया बैट्समैन और यहाँ पे ये है अपनी एक और बॉल। ओके सो ये डॉट बॉल रही, तो अभी यहाँ पे लेते हैं अपन पांड्या को। तो यहाँ पे अपना पांड्या आ चुका है एंड यहाँ पे इसकी ये बॉल लेग कटर। सो यहाँ पे 4, अरे यार फिर से 4 लग गया। इन्होंने 30 रन यू ही बना लिए 3 ओवर में, ये गलत हो रहा है, कोई नहीं रुकेंगे अपन भी। सो फिर से अपनी ये बॉल। सो अभी तो बस 30 पे 2 ही है, अपन को और आउट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे फिर से 4, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर से 4। तो अभी यहाँ पे अपन आते हैं शार्दुल को, और ये रही शार्दुल की आखिरी बॉल। लेकिन इसने ओवर अच्छा दिया, इसने एक भी चौका नहीं दिया, अब बोला तो देगा। ओके सो यहाँ पे बच गया, अच्छा वहाँ पर फील्डर खड़ा था, ठीक है तो शार्दुल का ओवर अच्छा गया। और यहाँ पे नो बॉल, क्यों नो बॉल क्यों यार, कोई नहीं बस यहाँ पर ये अब चौका या छक्का नहीं लगाना चाहिए प्लीज, मेरे को पता था ये लगाएगा, मेरे को पता था। ओके यहाँ पे ओके सो गाइस, इसने यहाँ पे सिर्फ 2 ही रन लिए, अच्छे बॉल किए। सो अभी यहाँ पे फिर से अपन ने ली है जसप्रीत को, और यहाँ पे इसकी स्टेट थोड़ा यॉर्कर में डालते। ओके तब भी इसने मार ली, ठीक है कोई नहीं। और ये थी जसप्रीत की लास्ट बॉल, इसने सिर्फ अभी तक 2-3 रन ही दिए, अच्छी बात है। सो अभी यहाँ पे फिर से मैं पांड्या को लेता हूँ एंड यहाँ पे फिर से अपन स्लोअर बॉल से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ओके नहीं नहीं यार 6, सच में बॉलिंग बहुत ख़राब चल रही है अपनी, कोई ना लेकिन आउट करेंगे। तो अभी यहाँ पे फिर से मैंने कुलदीप को लिया और ऑफ स्पिन में फिर से इन्होंने चौका। ओके फी, अरे यार चौका, कोई ना कोई ना, अपन भी रन बनाएंगे गाइस, अपन भी बनाएंगे, बार आउट करेंगे इसको। सो अभी यहाँ पे फिर से बॉल इसकी एंड लिटरली क्या ही बोल्ड किया है। सो यहाँ पे एक और बैट्समैन आउट, और यहाँ पे आ चुका है नया बैट्समैन, और यहाँ पे अपने हो चुके 61 पे 3 विकेट। 3 विकेट तो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने
चौके छक्के बहुत लगाए और 61 रन बना लिए पता नहीं कैसे। सो अभी ये रही इसकी फोर्थ बॉल और यहाँ पर इन्होंने फिर से एक और छक्का। अरे यार बहुत चौके छक्के खा लिए। ये पक्का पता है 70-80 रन का तो टारगेट देंगे ही सही। सो यहाँ पे इसकी लास्ट बॉल ये इस ओवर की एंड यहाँ पे फोर। ये ओवर बहुत ही गंदा गया है क्योंकि इसमें अपन को 16 रन देने पड़े और यहाँ पे फिर से शार्दुल तो अभी लेग स्पिन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कैच हो सकता था लेकिन वो सिक्स चल गया, कोई नहीं। और ये है इस मैच की इस इनिंग की आखिरी बॉल जो कि कैच हो सकती थी लेकिन हमारे फील्डर ने कैच नहीं की तो ये फोर गया। बहुत बुरा हाल है। सो अपन को बनाना है यहाँ पे 88 रन्स इन 10 ओवर। तो यहाँ पे अपन बैट्समैन को भेजते रोहित एंड शुभमन। तो यहाँ पे आ गए हैं रोहित एंड शुभमन एंड इसके 178 रन एंड शुभमन के 41 रन, कोई नहीं लेकिन बना लेंगे। सो ये रही पहली बॉल। तो यहाँ पे आराम से शुरू करेंगे अपन। यहाँ पर ये आराम से दो रन आएंगे अपने पास, कोई टेंशन नहीं है अपन को। यहाँ पे दो रन, ओके। सो दो रन के साथ स्टार्ट। तो अभी थोड़ा हाई मारते हैं एंड यहाँ पे सेकंड बॉल पे ही सिक्स रोहित ऑफ पीस। सो यहाँ पर फिर से ओके, ये फोर तो जाना चाहिए, फोर गया, नाइस। सो अपन को चाहिए यहाँ पे 80 रन ताकि अपने 17 रन हो गए, ओके। और यहाँ पे फिर से चौका, रोहित ओपी खेल रहा है गाइस। और यहाँ पे रोहित के हो चुके 20 और यहाँ पे फिर से एक और सिक्स। व्हाट अ गेम, मजा आ रहे हैं गाइस। अब तो फिर से यहाँ पे इस बार थोड़ा उधर मारते हैं एंड यहाँ पे कैच हो सकता था एंड कैच हुआ, गलत शॉट और कैच, कोई नहीं। रोहित शर्मा ने बनाए 12 बॉल पर 26 रन और यहाँ पे आ चुके विराट कोहली। और ये फिर यहाँ पे विराट कोहली आराम से खेलेगा, नहीं होना चाहिए था ऐसा। पहली बॉल पे कौन आउट करता है? अच्छा शुभमन हुआ है ये, ओके ओके गाइस, ओके बच गया विराट। श्रेयस 300 रन ओपी रन है गाइस। सो यहाँ पर ये शेयर आते से ही घुमाया बल्ले को और चार के बाद। और यहाँ पे फिर से विराट कोहली ऑन द फर्स्ट बॉल। सो यहाँ पे ये कैच क्यों हुआ? पहली बॉल पे विराट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब किशन तो श्रेयस एंड ये श्रेयस बहुत बढ़िया मार रहा है गाइस, बहुत तगड़ा, ओके। सो ये फिर से श्रेयस के लिए बॉल एंड इस बार फिर से सिक्स। सो हमें चाहिए 29 बॉल्स पे 35 रन और यहाँ पे फिर से श्रेयस स्ट्राइक पे। और अबे कैच कैसे हुआ ये, इतनी लंबी डाइव अपने पास, तो अपन के फील्डर तो यहाँ से भी कैच नहीं कर पाए, ओके। पांड्या 81 रन एंड ये भी अच्छा खेल लेगा। सो यहाँ पे इसके लिए फिर से फोर दूसरी बॉल पे एंड यहाँ पर अपन को चाहिए सिर्फ 9 रन। अरे ये फिर से ऐसे कैच, ये इलीगल कैच हो सकता है लेकिन ऐसा कोई होएगा नहीं। लेकिन यहाँ कैसे हुआ ये कैच, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सो यहाँ पे जड्डू, तो फिर से यहाँ पे जडेजा और अभी यहाँ पे लेट लगा लेकिन। और ये कितने कैच कर रहे हैं ये लोग, मेरे को सिर्फ 9 रन चाहिए गाइस, 9 रन। और अब मेरे को चाहिए सिर्फ 7 रन। तो यहाँ पे एक छक्का, सो यहाँ पे लास्ट बॉल और इस बॉल पे तो अपन जीत जाएंगे। एंड गाइस हमारी टीम जीत चुकी है, इंडिया जीत चुकी है पाकिस्तान से और 4 विकेट से अपन जीत गए हैं। सो मजा आ गया गाइस। और मैन ऑफ द मैच रोहित क्योंकि 26 रन्स ऑन 12 बॉल। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।